हमें एंट्री हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग की और सपोर्टिंग लेवल पर बाइंग की लेनी चाहिए सो so दोस्तों आज हम लोग एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं हमें एंट्री हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग की और सपोर्टिंग लेवल पर बाइंग की लेनी चाहिए सपोर्टिंग लेवल पर हम एक ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे और रेजिस्टेंस लेवल पे एक रेड कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे और कन्फर्मेशन कैंडल के बाद हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस होगा सेलिंग के टाइम रजिस्टेंस लेवल के ऊपर और बाइंग के टाइम सपोर्टिंग लेवल के नीचे हमारा टारगेट स्टॉप लॉस से डेढ़ से दो गुना ज्यादा होगा और जैसे जैसे हमारा टारगेट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्टॉप लॉस कम होगा मान लीजिए कि हमने कॉल ऑप्शन बाय किया और उसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे उसकी सपोर्टिंग लेवल पर और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे हम स्टॉप लॉस अप साइड लेके जाएंगे मान लीजिए कि शेयर की प्राइस इस कैंडल तक पहुंच गई तो हमारा स्टॉप लॉस सपोर्टिंग लेवल पर नहीं होके उसकी ठीक एक कैंडल नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और जैसे ही कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा या फिर प्राइस डाउन होगी तो हम अपनी पोजीशन को सेल कर देंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे और इसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू